इस वक्त की बड़ी खबर, जसोल अड़ुव्रत उद्बोधन सप्ताह छठा दिन अनुशासन दिवस मनाया गया। जसोल 6 अक्टूबर 2023 अनुशासन दिवस के रूप में शुक्रवार आदर्श विद्या मंदिर उच्च प्राथमिक विद्यालय नाकोड़ा रोड जसोल में मनाया गया। अड़ुव्रत के मंत्री सफरुख खान ने बताया कि अड़ुव्रत विश्व भारती के निर्देशन में अड़ुव्रत समिति जसोल के तत्वाधान में उद्बोधन सप्ताह का छठा दिवस आचार्य श्री महाश्रमण जी के सुशिष्या शासन श्री कमल प्रभाजी के सानिध्य में अनुशासन दिवस कार्यक्रम में अड़ुव्रत गीत मंगलाचरण, स्कूल की बालिकाएं स्वागत भाषण, अड़ुव्रत समिति अध्यक्ष पारसमल गोलेच्छा ने अपने भाव व्यक्त किया। प्रभारी भूपतराज कोठारी ने अड़ुव्रत के विस्तार की जानकारी बताई। इस अतिथिगण श्रीमान ओमाराम पटेल जिला परिषद सदस्य जसोल ने अपने भाव व्यक्त करते हुए कहा कि प्रत्येक व्यक्ति के लिए जीवन में अनुशासन बहुत महत्वपूर्ण है। अनुशासित जीवन के बिना हम लक्ष्यों की दिशा में काम नहीं कर सकते हैं। अनुशासन में काम करने के लिए ये बचपन से ही इसका महत्व सिखाया जाता है। अपने जीवन में इस आवश्यक अनुशासन का पालन भी करिए ताकि आपकी पढ़ाई प्रभावित नहीं। साध्वी जगत शाचार्य जी ने कहा है कि अनुशासन का मतलब है कि नैतिक तरीके से काम करना। घर के बाहर स्कूल हमारा दूसरा स्थान है जहाँ हमें अनुशासन सीखने को मिलता है। अनुशासन मूल रूप से हमारी आधार इच्छाओं का दमन है। इसे आत्मसंयम और नियंत्रण के समान माना जाता है। साध्वी शताब्दी प्रभा ने कहा है कि अनुशासन हमारे व्यक्तित्व विकास सहायक होता है। शब्दों से मिलकर बना है अनु और शासन। अनु उपसर्ग है जो शासन से जुड़ा है और जिससे अनुशासन शब्द निर्मित होता है, जिसका अर्थ है किसी नियम के अधीन रहना या नियमों के शासन में रहना। जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में अनुशासन आवश्यक है। विवेक कुमार संकलेचा ने अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा कि व्यक्ति यदि स्वयं पर शासन करना सीख जाए तभी एक अनुशासित व्यक्ति समाज या देश की कल्पना की जा सकती है। आभार व्यक्त अड़ुव्रत समिति के मंत्री सफरुख खान ने स्कूल के लगभग 270 बालक बालिकाएं व अध्यापक अध्यापिकाओं को अड़ुव्रत आचार संहिता संकल्प पत्र भरवाए व संकल्प दिखाए गए। अड़ुव्रत समिति के सदस्यों ने अतिथियों को अड़ुव्रत दुपट्टा पहनाकर स्वागत किया। इस कार्यक्रम में मौजूद अड़ुव्रत समिति अध्यक्ष पारसमल गोलेच्छा, मंत्री सफरुख खान, प्रभारी भूपतराज कोठारी, प्रचार प्रसार मंत्री डूंगर चंद बागरेचा तेंदुप, अध्यक्ष मनीष कुमार बोकड़िया, शांतिलाल बोकड़िया, तेरापंत महिला मंडल अध्यक्ष कंचन डेलिया, जयश्री सालेचा, कन्या मंडल संयोजिका कुनिका बागमार, स्कूल स्टाफ सुमेर सिंह, योगेश कुमार, पंकज कुमार, पुराराम, महेंद्र कुमार, जालम सिंह, रेखा, प्रीति, धापू, मुनेश आदि। इस कार्यक्रम का संचालन श्रीमान जालम सिंह ने किया। देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। अब जो आपके टीचर्स लोग हैं ना, कितने स्टाफ, 1, 2, 3 आप, 4 और है ना, आप मैडम लोग, आप लोग बताइए ना, आप लोगों को, आप लोग कोई नशा कर, अगर आपको अपनी इच्छा से लेना हो तो ले सकते हैं। हम जबरदस्ती त्याग नहीं करवाते, इच्छा से लेना चाहेंगे आप लोग। कोई भी टीचर कोई बोल नहीं रहे क्या नशा है इनका? पान पड़ा था आपको मरा साहब के सामने, त्याग ले सकते हैं। पान खाते, हम पान का त्याग नहीं दिलाते हैं। जो नशीली चीजें हैं, गुटखा, तंबाकू, हेरोइन जो भी है, उसका त्याग दिला रहे, मंजूर है? अब एक बात और है, बच्चों ध्यान दो, एक बात पूछती हूँ सबसे, पक्की बात जी। उसके बाद क्या करते हैं? बहुत अच्छी बात है, बड़ों को प्रणाम क्यों करते हैं? या आशीर्वाद जो मिलता है ना बड़ों का, या ऐसे ऐसे काम कर देता है जो दुनिया में बहुत लोग नहीं कर सकते। बहुत कुछ जो हमारे साथ पॉजिटिव होता है उसके पीछे बड़ों के ब्लेसिंग्स काम करते हैं। अब ये बताए, आप प्रणाम कैसे करते हैं? उठने के हाथ लगा के करें है ना? तो फिर हाँ, कभी भी घुटनों के हाथ लगा के प्रणाम करोगे ना तो घुटने का दर्द भी मिलेगा, और नीचे झुक के प्रणाम करोगे तो पेरेंट्स की पॉजिटिव एनर्जी ले सकते हैं। अभी आप और कुछ बहुत कुछ सुनेंगे, साधवी श्री जी आपको बताएंगे, इसलिए मैं ज्यादा नहीं कहूंगी। ओम पूजा साधवी जी ने आपको छोटी छोटी बातें बताई,
अणुव्रत। अणु का मतलब होता है लघु, छोटा। व्रत का मतलब होता है संकल्प। छोटे छोटे संकल्प लेना जो हमारे जीवन निर्माण में काम आता है। तो अभी संकल्प की बताए क्या लेना चाहिए, ये 11 नियम बताए आपको, उसके अनुसार हमको अणुव्रत की पालना करनी चाहिए। अणुव्रत इंसान को इंसान बनाता है। सब धर्मों का सार अणुव्रत है, क्योंकि सब धर्मों में श्रेष्ठ बातें ही दी हुई होती है। तो अणुव्रत भी पूज्य आचार्य तुलसी जी ने जो प्रारंभ किया है अणुव्रत, तो इसमें सब छोटी छोटी बात है जैसे मनुष्य का निर्माण होता है, इन बातों पर हम सभी इसी आयु में अभी ध्यान देंगे तो हमारा जीवन श्रेष्ठ बनेगा। मैं दो परिचय रह गए थे, मनीष जी पोखड़िया और बागेंद्र जी, और अन्य जो नाम एक दो बार बता रहे हैं उनका भी स्वागत, अपने आचार्य बंधु भगिनी सब उनका भी स्वागत है इस अवसर पर। मुझे इस विद्यालय पर गर्व इसलिए है कि हमारे इस विद्यालय के ये पूर्व छात्र हैं। तो अभी अपने गांव में ही, मैं जसोल का ही बता रहा हूँ, जसोल में कम से कम 15 छात्र इस विद्यालय पर श्रेष्ठ व्यापारी है, बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, और इंजीनियर है, डॉक्टर है, IAS भी है इस विद्यालय से निकले हुए। तो हमको तो गर्व है इस विद्यालय से पढ़े हुए छात्रों पर भी। मैं अभी निवेदन करूंगा पारी जी बोले चाहते यहाँ पर है संक्षिप्त मैंने रसोल आदर्श विद्या मंदिर में आयोजित अनुशासन दिवस के पक्ष में अनुव्रत अनुशासन आचार्य श्री माँ श्रवण जी द्वारा उपस्थित यहाँ अनुव्रत विभाग निर्देशित अनुव्रत समिति जसोल के तत्वावधान में आयोजित अनुशासन दिवस के भवन साधु में साधु श्री बंदन और अनुव्रत समिति के अध्यक्ष वासन जी साहब, गोपाल जी कोकड़ जी और प्रधान और समिति के सचिव भाई सरकाम जी और सभी विद्यार्थियों और शाला के अध्यापकों, बड़ी खुशी हुई। इस विद्यालय में कई बार आना हुआ और इस विद्यालय में मेरी भी बच्ची पढ़ी और बहुत ही अनुशासन से विद्यालय में सिखाया जाता है और संस्कार का भी इसमें बहुत बड़ा योगदान रहता है। और आप सफल तभी होंगे जब आप अनुशासन में रहोगे, अनुशासन से ही आपका कैरियर बढ़ेगा, व्यापार हो और आगे बढ़ोगे तो अनुशासन और संस्कार से ही आदमी आगे बढ़ता है। आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए मैं अपना ओम मार अनुव्रतों का यह उद्घोष नहीं
चुनाव आते ना, वे चुनाव में अवैध उपायों का सहारा नहीं लूंगा। मैं सामाजिक कुरूढ़ियों को प्रशासन नहीं दूंगा या दूंगी। कहे से अनुबंधित शादी नहीं करूंगा, करूंगी और नहीं ऐसे कार्यक्रम में सहभागिता निभाऊंगा। बाल विवाह नहीं करूंगा, करूंगी। मैं किसी भी प्रकार का नशा नहीं करूंगा। भाव भी नहीं बनना। सम्मानित मंच और मेरे प्यारे मित्रों, सुप्रभात। अभी हमने अनुशासन के बारे में बहुत कुछ सुना। मेरा आपसे एक सवाल, अनुशासन किस पर करना है? निज पर अनुशासन। तो क्या आप सब अनुशासित हो? कैसे, कोई बता सकता है? अनुशासन तब आएगा जब हम अपने आप पर भरोसा करेंगे। आप सब अनुशासित हो। मैं पीछे से देख रहा था, आप सब कर्मबद्ध बैठे हो। आज दिन तक मैं कोई स्कूल में गया हूँ, मैंने ऐसे विद्यार्थी नहीं देखे जो कर्मबद्ध अपने आप बैठे हो। तो एक ओम अलम आपके लिए बनता है। अब बात आती है हमें समाज में बदलाव लाना है। समाज में बदलाव कैसे लाएंगे? खुद लाएंगे। आप ये देश का भविष्य हो। ये आप छोटे छोटे संकल्प लेते हो कि हमें स्वच्छता रखनी है, मोबाइल का यूज कम करना है, तो अपने आप देश में बदलाव आएगा। जैसे कि अभी सर ने पूछा था कितने लोग मोबाइल का यूज नहीं करते, कितने लोगों ने हाथ ऊपर किया था? नहीं दोस्तों, हमें अपने आप से ईमानदारी रखनी है। मैं देख रहा था किसी का हाथ आधा हो रहा था, किसी का आधा ऊपर हो रहा था। ये इसलिए हो पा, विश्वास होता ना तो आप पूरा हाथ ऊपर कर पाते। तो जीवन में ईमानदारी होना बहुत जरूरी है। एक छोटी सी कहानी सुनाना चाहूंगा। अरुणिमा सिन्हा का नाम सुना है आपने? अरुणिमा सिन्हा एक लेडी थी, वो ट्रेन से सफर कर रही थी। कुछ गुंडे आए, गुंडों ने उसे ट्रेन के नीचे फेंक दिया। पूरी रात ट्रेन के पटरियों के बीच में पड़ी रही। एक ट्रेन इधर, एक ट्रेन उधर, एक ट्रेन इधर, एक ट्रेन उधर। कुल 50 ट्रेन उसके पैरों के ऊपर से गई। कितनी ट्रेन? 50। सुबह हुई, उसके पैर को चूहे काट रहे थे। कुछ लोगों ने उसे दिल्ली अस्पताल लेकर गए। डॉक्टर ने कहा अब ये जीवन भर के लिए अपाहिज हो गई है, तेरा बचना बहुत मुश्किल है, लेकिन आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। उसने क्या बोला? भगवान तूने मुझे बचाया है ना, तो मैं इतिहास रच के बताऊंगी। और उसने माउंट एवरेस्ट की नहीं, दुनिया की सबसे 7 ऊंची चोटियों को चढ़ाए और अपने नाम पर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। ये क्यों हो पाया दोस्तों? क्योंकि उसने अपने जीवन में अनुशासन को लाया, अत्यंत प्रैक्टिस की, कठिन परिश्रम किया, तब जाके उसके हौसले बुलंद थे और वो अपने मकसद को प्राप्त कर पाए। मैं आपसे यही कहना चाहूंगा, आप इस देश का भविष्य हो। आप सबके पास भी एक मकसद है, लेकिन वो मकसद कब पूरा होगा? जब आपके जीवन में अनुशासन होगा। हमें अनुशासन खुद पर सीखना है। अक्सर हमारे साथ ऐसा होता है कि टीचर क्लास में नहीं होता तो हम लोग मस्ती करते हैं, खेलते रहते हैं। हमें